हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यू टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है, एयरटेल यूज करते हैं, तो आपको मिलने वाला है 5GB डेटा। 5GB डेटा लेने के लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये होगा हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी, हमको पता चल जाएगा अपने डेटा ले लिया है। तो आपको पता होगा डाटा प्लान कितना महंगा होगा, एयरटेल हो, जियो हो, वीआई हो, बीएसएनएल हो, आइडिया हो, किसी भी कंपनी की सिम हो, सभी में डाटा प्लान महंगा होगा है। उसको देखते हुए मैंने एयरटेल के ऑफर लेकर आए, जिसको डायल करके आपको मिल जाएगा 5GB डेटा फ्री में मिल जाएगा। किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से कूपन अप्लाई करना है, जैसे आपको डाटा मिल जाएगा, लेने के लिए आपको करना का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे। हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से आपको करना है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए, तभी आपके समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन का नाम है जो हम बताएंगे, उससे आपको डाटा मिलने वाला है। तो आपको करना है कि सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको लिखना है एयरटेल थैंक्स। इसकी मदद से आपको डाटा मिल जाएगा, लेकिन इतना लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन। इसमें लिखा होगा एयरटेल थैंक्स रिचार्ज एंड UPI, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे में अपडेट मांग रहा, पहले से पड़ा हुआ तो अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना का है, आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगा, तो इसमें आपका मोबाइल नंबर OTP डालकर इसमें लॉगिन कर लेना। हमारे में लॉगिन कर लिया हूँ, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आ जाने के बाद आपको करना का है, जो भी हम नंबर बताएंगे उसको डायल करके आप डाटा फ्री में ले पाएंगे। तो आपको करना का है, तो आपको चले जाना है गूगल या क्रोम ब्राउजर पर, वहीं से आपको डाटा फ्री में मिलने वाला है। और गूगल वाला सर्च बॉक्स है, इस पर हम सर्च कराएंगे, जो भी मैं सर्च कराता हूँ आप भी सर्च कराएँ। तो इसमें आपको लिखना है एयरटेल कूपन, तो यहाँ पर आपको लिख देना है एयरटेल एयरटेल कूपन, ठीक इस तरीके से आपको लिख देना है एयरटेल कूपन कोड, इस तरीके से लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पहली वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन वाला पहला, इस तरीके से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ कूपन आ जाएंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको करना का है यहाँ से आपको कुछ कूपन पड़े हुए हैं, इनको आपको करना का है। इनको जैसे हम इसमें से कूपन ले लेते हैं, ये कूपन मिल चुका है, इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में, वहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आप जैसे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में आओगे, यहाँ पर लिखा होगा रिचार्ज बिल पे माई कूपन मिस कॉल अलर्ट, तो आपको करना का है यहाँ पर माई कूपन वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, आपको डाटा फ्री में लेना है। अगर आप लिमिटेड रिचार्ज कराते होंगे तो यहाँ पर आपको कूपन फ्री में मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से, 1GB 3GB 4GB 5GB तक कूपन यहाँ से फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन हमको जैसे उस कूपन को मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पर लिखा है क्लेम न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। वही आपने कूपन नंबर जो कूपन अप्लाई करना है, फिर आपको इसमें लिख देना है फ्री, इतना लिखकर आपको क्लेम करना है। जैसे आप क्लेम करेंगे तो आपके सामने ये हो जाएगा, लेकिन हमको दोबारा करना होगा क्योंकि वो वहाँ से कट चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको यहाँ से कूपन अप्लाई हो जाएगा, आपके में 2GB तक डाटा यहाँ से फ्री में आ जाएगा। इस तरीके से आपको डाटा फ्री में मिल जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको ले चलते हैं डायल पैड में, वहाँ पर आप डायल करके डाटा ले पाएंगे। आपको चले जाना है डायल पैड में, डायल पर करने के बाद यहाँ पर एक नंबर बताना है, उस नंबर पर जब भी आप कॉल करेंगे तो आपको उसमें से 3GB डेटा फ्री में मिल जाएगा। वो नंबर है आपको लगाना है जो नंबर हम बताएंगे, 5111 पाँच चार बार 1-1, इस पर आपको मिस कॉल देनी है। ये नंबर आपको ध्यान से देखना है, इस पर आपको मिस कॉल देनी है। मिस कॉल देंगे तो इस पर एक मिस कॉल जाएगी, तुरंत के तुरंत कट जाएगी। कटने के बाद आपको 2 घंटे वेट करना है, क्योंकि ये नंबर वर्क करता है लेकिन टाइम लगता है। तो इस नंबर को ओके कर देने के बाद इस पर मिस कॉल जाएगी, मिस कॉल जाने के बाद कट जाएगी। कटने के बाद आपको वेट करना है 2-3 घंटे तक, फिर एक SMS आएगा, उसमें लिखा होगा
3 GB डेटा एयरटेल की तरफ से फ्री में क्रेडिट कर दिया गया है। जब आपके में SMS आएगा तब आपके में डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डाटा फ्री में ले लेना है। तो इस तरीके से आपको डाटा मिल गया होगा। तो इस वीडियो में यही आपको बताना था। इस वीडियो से आपको कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। हम इसी तरीके से नई नई वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको कुछ न कुछ लाभ हो पाएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।